Subscribe my channel and press bell icon for more informative videos. Thank you. Assalamualaikum students. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को अगर हम उर्दू में डिफाइन करें तो वो यूँ है कि मौजूदा ज़माने में किसी काम के होने या करने के लिए जो टेंस इस्तेमाल होता है ना, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस. और इसकी जो उर्दू में पहचान है वो ये है कि उर्दू में जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, मसलन, एक्सेट्रा, ये सब आता है. फॉर एग्जांपल, मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं चाय पीती हूँ, एक्सेट्रा. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी नेक्स्ट फर्दर चार टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं. सबसे पहले होता है अफर्मेटिव. अफर्मेटिव कहते हैं बेटे सादा जुमले को जिसमें हम बिल्कुल सादी बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ. इट्स लाइक सिंपल सिंपल थिंग. इसमें कोई नहीं या सवाल का जिक्र नहीं होता. तो इसको बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो यूँ है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को पुट करना होता है. सब्जेक्ट ऐसा शख्स जो काम कर रहा है, डूअर. और उसके बाद हमने यूज़ करना होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन एस और ई एस, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. मैं आपको बताती हूँ कि हमने एस और ई एस किन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करना है. ही, शी, इट और किसी भी सिंगल नेम के साथ हम एस और ई एस को ऐड करते हैं. इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, आई, वी, यू, दे, दो नाम, इनके साथ एस और ईएस का इजाफा बिल्कुल भी नहीं होता. फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिखा है मैं स्कूल जाता हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई गो टू स्कूल. मैं यहाँ पे आई गोज टू स्कूल नहीं लिखूँगी, ठीक है? और जब आएगा वो स्कूल जाती है, मतलब ही, शी, इट या सिंगल नेम में से कोई भी आएगा तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा उसमें एस और ईएस का इजाफा होगा. लाइक वो स्कूल जाती है, शी है, लड़की है, शी गोज टू स्कूल. यहाँ पे शी गो टू स्कूल नहीं आएगा. अब बात यहाँ पे ये आती है कि कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ एस का इजाफा होगा और कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ ई एस का इजाफा होगा. तो बेटा, ऐसे वर्ड्स जिसकी एंडिंग डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स या आई एक्सेट्रा पे एंड होता है तो उनके साथ ई एस लगेगा, और रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जितने भी हैं उनके साथ एस लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक वर्ड है गोज, तो ओ पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे ई एस लगेगा. इसी तरह पास है तो डबल एस है तो ई एस लगेगा. एच है या एस एच है तो उसके साथ ई एस लग के वॉशिज हो जाएगा. सी एच है, रीच, इसके साथ ई एस लग के रीचिज हो जाएगा. क्लियर? अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं मनफी को. इसमें जिक्र नहीं का आता है, ठीक हो गया बच्चों? जैसे कि हम कोई बात नफी में करते हैं, जैसे वो स्कूल नहीं जाता, मैं चाय नहीं पीती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब यहाँ पे बच्चों हेल्पिंग वर्ब आता है डू एंड डज. तो मैं पहले बताती हूँ डू किसके साथ लगेगा एंड देन डज. डू जो है वो लगेगा आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल है, लाइक दो नेम हो गए या मदर्स, फादर्स, जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ डू लगता है. और डज लगता है ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, एक नाम के साथ. और इसको बनाने का जो फॉर्मूला है वो है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा डू एंड डज. अब जो डू एंड डज है वो हमने कौन सा चूज़ करना है, इट डिपेंड्स अपॉन आर सब्जेक्ट. जैसा सब्जेक्ट होगा उनके साथ ये लगेगा डू, एंड जो सब्जेक्ट आएंगे मतलब ही, शी, इट, इनके साथ डज लगेगा. आई, वो, यू, दे के साथ जो है वो डू लगेगा. और उसके बाद नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. और यहाँ पे एस और ई एस का इजाफा फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ नहीं लगेगा, वो सिर्फ अफर्मेटिव में लगता है. क्यों? क्योंकि जो डू है वो प्लूरल है, उनके साथ एस और ई एस का इजाफा होता ही नहीं है. और जो डज है वो सिंगुलर के साथ आएगा, तो क्योंकि एक सेंटेंस में पहले ही डू के साथ ई एस का इजाफा हो चुका है, वो डज बन चुका है, तो नेक्स्ट जो वर्ब है उसके साथ एस और ईएस का इजाफा नहीं होगा. उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट. इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. लाइक मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, या वो स्कूल नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू स्कूल. आई होप आपको समझ आ गई होगी. स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी.
देन उसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कहते हैं सवालिया जुमले, ऐसे जुमले, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई क्वेश्चनर हो, कोई क्वेश्चन पूछा जाए, उन्हें हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इसको बनाने का फॉर्मूला ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल हो रहा था वो इंटरोगेटिव में फर्स्ट भी आ जाएगा. हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एंड पे क्वेश्चन मार्क. अब हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन आवर सब्जेक्ट. ही शी इट और एक नाम आएगा तो डस लगेगा, आई वो यू दे या दो नाम आएगा तो डू लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल. क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल. ठीक हो गया. सो आपने अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है कि आपका जो डूअर है, काम करने वाला है, वो कौन है और क्या है, तो उसके हिसाब से आपने हेल्पिंग वर्ब चूज करना है. ठीक है. उसके बाद कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो इंटरोगेटिव और नेगेटिव मिक्स होते हैं, मतलब जिसमें सवाल भी पूछा जाता है और मनफी बात भी की जाती है, जैसे कि क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, या क्या वो स्कूल नहीं जाता है, डू आई नॉट गो टू स्कूल. तो जब ऐसे सेंटेंसेज आ जाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा और जो सेंटेंस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा. और फिर कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो डबल इंटरोगेटिव के नेम से रिकॉल किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उसमें यूज होता है डब्ल्यू एच फैमिली. डब्ल्यू एच फैमिली का आपको पता है, हु, वॉट, वेयर, वेन, बाई होम, एक्सेट्रा. जैसे कि अली स्कूल क्यों नहीं जाता है. अब इसमें क्यों, डब्ल्यू एच फैमिली, क्यों मतलब वाई, वाई डज अली नॉट गो टू स्कूल, या अली चाय क्यों पीता है, वाई डज अली टेक टी. क्लियर. तो आपने हेल्पिंग वर्ब्स पहले वहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली लगा देनी है जो डब्ल्यू एच फैमिली उस क्वेश्चन में यूज हो रही है या पूछी गई है. अगर बेटा आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो डू कॉन्टेक्ट मी. सो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगी इंशाल्लाह. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.